बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक्चुअली मैं भिंडी और चिकन बना रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1/3 कप ऑयल, सॉरी घी लिया था, वो मेल्ट हो गया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन 1 किलो भिंडी थी, जिसको काटने के बाद ये तकरीबन 700-750 ग्राम रह गई है। तो इसको मैंने मीडियम से पीसेस में काट लिए, जैसे मोस्टली हम बनाने के लिए इसको काटते हैं। तो ये मैंने घी गरम किया, उसके अंदर डाल दी अपनी भिंडी, और आपने खुले बर्तन में इसको फ्राई करना है ताकि ये टूट ना जाए फ्राइंग के दौरान, और हल्का सा गोल्डन सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसको नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा वो श्रिंक हो जाती है, डार्क कलर में ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो बस हल्का हल्का सा हिलाते रहें, तो जैसे ही ये इस तरह की फ्राई हो जाएगी, इस कलर में आएगी, तो आपने इसको घी से निकाल लेना है। और हम यही वाला घी जो है वो चिकन को पकाने में यूज़ करेंगे। तो मैंने अपनी भिंडी निकाल ली है, अब मैं सेम घी के अंदर डाल रही हूँ प्याज, जो कि मैंने 4 लिए थे बड़े वाले प्याज। आप जानते हैं कि भिंडियों में प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमें इसका अच्छा सा मसाला बनाना है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद प्याज, अगर छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हमें इनफ इसके लिए प्याज चाहिए होंगे, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। और अब इसको मैं घी के अंदर फ्राई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। हमें इसको साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है, ताकि इक्वली ये जो है हमारे प्याज हैं वो ब्राउन हों, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर देंगे इसको। बस थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिला देंगे। तो ये कुकिंग ऐसी चीज़ है कि जिसको आप छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते, कि आप कोई भी चीज़ अगर चूल्हे के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, इधर उधर किसी और काम में लग जाते हैं, तो समटाइम्स हमारी डिश ही ख़राब हो जाती है। तो आप ये कोशिश किया करें कि आप उसके पास ही रहें। तो ये जैसे ही ये वाला कलर आएगा, हमें इसके अंदर डाल देना है अपने चिकन को। और डायरेक्ट प्याज में मैं चिकन डाल रही हूँ, मसाला नहीं बनाया है। मोस्टली होता है कि हम मसाला भूनते हैं और उसके बाद चिकन डालते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई होगा प्याज़ों की वजह से, उसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और दूसरी रीज़न ये है कि जैसे ही हम इसको हिलाते रहेंगे, साथ साथ चिकन जो है वो हमारा पकता रहेगा, और साथ साथ जो हमारे प्याज हैं वो मैश्ड होते रहेंगे एक तरह से, जैसे हम इसको हिला रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसाला बन जाएगा और हमारी डिश की लुक अच्छी आएगी। तो ये आप देख रहे हैं प्याज, जो हमारा चिकन है वो वाइट कलर का हो चुका है। तो अच्छे तरीके से हमने इसको हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद सारी साइडों से। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, जिसका मैंने छिलका उतार दिया था। छिलका हमेशा उतार लिया कीजिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो 2 टमाटर मैंने लिए थे बड़े साइज़ के, तो उनको मैंने डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून अदरक लेके क्रश कर लिया, 5-6 हरी मिर्चें लेके क्रश कर ली, आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने ऐड कर दी। इसके अंदर लहसुन भी था थोड़ा सा, जो के ऊपर मैं मेंशन करना भूल गई थी टेक्स्ट में, तो 1/2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें लहसुन मैंने डाला था। तो ये जी हमारा जो है मसाला अच्छा सा रेडी हो रहा है, आप देख रहे हैं कि टमाटर और प्याज हमारे जो हैं वो घुलने लग गए हैं, काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं, मसाला सा बन गया है इसमें। तो अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा पानी, और पानी ऐड इसलिए किया है क्योंकि अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और चिकन को गलाना भी है, तो उसके लिए हमें पानी चाहिए होगा। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उस पर ढक देंगे, और हमारा पानी भी ड्राई हो जाएगा, प्याज वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से घुल जाएंगे, मसाला बन जाएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्पाइसेस, तो बहुत ही थोड़े से मसाले डालूंगी, बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसेस को जो है वो बिल्कुल इसका टेस्ट ख़राब कर देगा। तो मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टेबल स्पून कोरमा मसाला, आप कोई भी इसके अंदर मसाला, अचार गोश्त मसाला, कढ़ाही मसाला डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक का, और जब नमक डालेंगे तो मसाला कम डालेंगे क्योंकि उसमें भी नमक होता है। तो ये डाल दिया 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी का। तो ये बेसिक मसाले ही डाले हैं, आप देख रहे हैं रेड मिर्चें मैंने नहीं डाली क्योंकि कुटी हुई मिर्चें होती हैं कोरमे मसाले में, कढ़ाई गोश्त मसाले में, जो बहुत ज़्यादा तीखा कर देती हैं खाने को, और मैं ऑलरेडी इसमें हरी मिर्चें ऐड कर चुकी हूँ, तो इसमें मैंने अलग से मिर्चें नहीं डाली हैं। तो इसको हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, और इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। इसको छोड़ देना है हमने मीडियम सी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ताकि इसका पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाए और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो जाए चिकन का।
कि हमने इसको 5 मिनट के बाद खोला है, पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है और चिकन को दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो पानी ड्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो मैंने जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है। भिंडी का कलर बहुत ही फ्रेश लग रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना वरना आपकी डिश की लुक ख़राब हो जाएगी। और सब्ज़ियाँ वैसे भी जब हम उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उनमें जो न्यूट्रिशन होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और भिंडियाँ डालने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, और क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हुई होती हैं पकने के बाद तो ये टूट सकती हैं, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल केयरफुली हल्के हाथ से मिक्स कर देना है ज़बरदस्त सा। तो ये हमारी डिश जो है जी ये सर्व करने के लिए रेडी है। लेकिन सर्व करने से पहले हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर मसाला और मेथी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देते हैं, टेस्ट देते हैं आपके खाने में। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर मैं ड्राई मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो वाली। तो इसको कर लेंगे मिक्स एंड पे, और ये मसाले डालते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी भिंडी गोश्त, भिंडी चिकन, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, ये बनके रेडी है। बहुत 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 टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और इन्जॉय करिएगा। आप अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा हमारा भिंडी और चिकन बनकर रेडी है, और चिकन का जो कलर है वो भी कितना ज़बरदस्त आया, जैसे आपको मैंने बताया था कि प्याज़ों के अंदर आप डालेंगे। समटाइम्स होता है कि हम कोई भी डिश बनाते हैं तो चिकन वाइट वाइट सा रहता है, जो अच्छा नहीं लगता देखने में और खाने में भी। तो ये देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया, जैसे रोस्ट का कलर होता है बिल्कुल सेम कलर आया है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इजी टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और बहुत ज़बरदस्त सी मैं जो चिकन से रिलेटेड रेसिपीज़ हैं उनका लिंक नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।